पलटी मारेंगे। इन तमाम सवालों की संभावनाओं के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के बाद बाजार के अंदर जो खबरें हैं उनका सिलसिला फिर एक बार शुरू हो गया है। और कल मैं आपको बता दूं, कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इस बीच जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं उसके बाद से तमाम सवाल तमाम बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये खबर तो आपके लिए अहम है ही, साथ ही में कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है जेडीयू की, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी चीज कि नीतीश कुमार दिल्ली आ पहुंचे हैं और फिर एक बार खबरों का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। तो कल क्या कुछ इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होने की संभावनाएं हैं? शुक्रिया शालिनी। क्या नीतीश कुमार के मन में है ये लोगों की दिलचस्पी जानने की, नीतीश कुमार किस एजेंडे के तहत आ रहे हैं ये दिलचस्पी है लोगों की जानने की। और नीतीश कुमार दिल्ली चल करके आए हैं, पटना से दिल्ली आए हैं चल करके, तो इसके पीछे जो है वो वजह क्या है? क्योंकि दिल्ली पटना से दिल्ली खबरें भेजना और दिल्ली की दिल्ली में खबरें पहुंचाना ये बहुत अहम हो जाता है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है नीतीश कुमार की, लेकिन चिंता बीजेपी को है। बैठक नीतीश कुमार लेंगे, बैठक नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन चिंताएं और रणनीतियां वो बीजेपी के अंदर बन रही है कि अगर नीतीश ये बोलते हैं तो हम ये करेंगे, ऐसा करते हैं तो हम ऐसा करेंगे, रणनीतियां वहां पर तैयार हो रही है। और इसको मॉनिटरिंग, जो नीतीश कुमार का जो पूरा घटनाक्रम है इसको मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार कल करेंगे क्या जी? तो ऐसे में इस सवाल के जवाब को अगर आप तलाशने की कोशिश करेंगे तो आज एक बयान निकल करके सामने आया है नीतीश कुमार के पार्टी के नेता विजय चौधरी का। विजय चौधरी खासम खास सबसे ज्यादा करीबियों में से नीतीश कुमार के एक है, और विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार कल आ रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेंगे, ऐसे में हम अभी जो चुनाव हुए हैं उनकी समीक्षा करेंगे और उसके साथ में जो आगामी चुनाव है उसकी समीक्षा करेंगे। नीतीश कुमार, अब उनको पता है कि जो भी तेल निकलेगा, अभी जो भी खेल होगा वो बिहार के विधानसभा चुनाव के जरिए होगा, और इसलिए पूरा फोकस अब वो केंद्र में। मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं, आज अभी देखिए हम 7 बजे लाइव जो है, 7:15 बजे हमने लाइव शुरू किया है, और कल जब 7:15 बजे हम लोग लाइव होंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ साफ हो चुका होगा। तो नीतीश कुमार कल की बैठक में, मैं आपको अभी 24 घंटे पहले जो अभी खबर जो मेरे पास में है वो मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार कल की बैठक में दिल्ली को लेकर के या दिल्ली की पॉलिटिक्स पर प्रेशर बनाने को लेकर के कल कोई फैसला मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा फैसला कल डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक करता हुआ नहीं दिखेगा। नीतीश कुमार कल सिर्फ और सिर्फ इस बात की तैयारी के साथ में आ रहे हैं कि कल जो है इधर तीर लगा करके और उधर निशाना साधा जाए, यानी कल जब नीतीश कुमार दिल्ली के अंदर होंगे जी। तो उनकी पूरी कोशिश जो है, पूरी कोशिश वो अपने विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों के साथ में उतरने को लेकर के है, बीजेपी उस पर तैयार। विजय चौधरी ने साफ कह दिया है कि हम आगामी चुनाव की रणनीति के लिए यहां पर आए हैं। अब कल जो है जो बातचीत होनी है, कल जो बातचीत का मेन एजेंडा है, कल बातचीत का मेन एजेंडा यह है कि चुनाव में हम क्या वैसे ही दावा कर दें सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर उतरने का, या फिर जो है सीटों की घोषणा किसी नेता से करवा दी जाए। जैसे राजनीति में ये होता है कि मुझे कुछ कहना है, मैं कुछ ना कहूं और मैं तुमसे कुछ कहलवा दूं, तो ये भी होता है कि कल कोई नेता जो है वो दावा कर दे कि हम 150 सीटों पर लड़ेंगे, हमने अंदर खाने इस बात पर चर्चा सबकी सहमति हुई है,
ये भी हो सकता है कि बैठक से बाहर निकल करके किसी नेता से यह बयान दिलवा दिया जाए। अब जैसे ही ये बयान निकल करके सामने आएगा, बीजेपी की तरफ से फिर इस पर लिपापोती शुरू हो जाएगी। तो कल जो फोकस है, कल जो तैयारी है नीतीश कुमार का, कल जो पूरा का पूरा एजेंडा है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर लामबंद किया जाए, अपनी पार्टी को लामबंद किया जाए, और पार्टी के अंदर एक मैसेज ये देने की भी कोशिश है। कल मैं आपको बता रहा हूं 24 घंटे अभी बाकी हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं पुख्ता तौर पर आपको खबर बता रहा हूं। जेडीयू में जो सूत्रों के हवाले से भी मैं बातचीत हुई है वो मैं बता रहा हूं, पूरा फोकस नीतीश कुमार का, पूरा का पूरा फोकस नीतीश कुमार का वो इस बात पर है कि देखिए नेताओं में एक नीतीश कुमार को लेकर के बिहार के अंदर एक नेगेटिविटी फैल गई थी कि पलटू राम है, पलटू चाचा है, कभी भी पलट जाते हैं, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, ये कोई इनका स्टैंड नहीं है। तो नीतीश कुमार का जो एकदम पूरा डैमेज हो गया और तेजस्वी का जो उभार हुआ वहां पर, और तेजस्वी ने जिस तरीके से वोट को खींच लिया विधानसभा चुनाव में, अभी लोकसभा में, ये सही बात है कि नीतीश आज भी नीतीश वहां पर सबसे बड़े नेता है, क्योंकि वो 16 सीट ला करके 12 सीट लेकर के आए और बीजेपी जो है 17 सीट लेकर के 12 सीट ले पाई, तो सबसे बड़े नेता तो नीतीश कुमार हुए। लेकिन लोकसभा चुनाव जो है वो अलग है और विधानसभा चुनाव अलग है। तेजस्वी वहां पर एक बड़े उभरते हुए चमकते हुए सितारा है, इस बात को नीतीश स्वीकार कर चुके हैं। जो चुनौती है वो तेजस्वी है, लेकिन इसके उलट जो है वो तेजस्वी कल कोशिश रहेगी नीतीश कुमार की संदेश देने की, और नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संदेश देंगे कि जो लोग हमको खत्म सिंह बता रहे थे कि हम खत्म हो चुके हैं, जिन लोगों ने हमारे राजनीति का जो है वो मर्सिया लिख दिया था, उन लोगों को अब जाकर के कह दो कि 12 सीटें आई हैं, 16 में से 12 सीटें आई हैं और सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ही हैं। अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ताकत भरने का, जोश भरने का, हवा भरने का जो है वो काम नीतीश कुमार करेंगे। कल नीतीश कुमार की पूरी कोशिश ये रहेगी कि चुनाव का माहौल जो है वो तैयार हो जाए विधानसभा चुनाव के लिए। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, कल नीतीश कुमार का जो पूरा का पूरा फोकस है, पूरा का पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि वो अपने चुनाव की तैयारी, जमीन तैयार करें। दिल्ली की अब जो है वो दौड़ में नहीं है, दिल्ली की दौड़ उनसे छूट गई है। अगर इंडिया गठबंधन में होते वो तो दिल्ली की दौड़ उनकी हमेशा बनी रहती, दिल्ली की दौड़ में उनका सिक्का चलता रहता, लेकिन चूंकि वो अब एनडीए में है और एनडीए में तो मोदी और अमित शाह, इसके अलावा राजनाथ सिंह की भी दौड़ नहीं है, उन्होंने भी अपनी दौड़ जो है अपनी सलामत करके छोड़ दी जी। लेकिन बीच में सवाल ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि आप बता रहे कि नीतीश कुमार जो है वो अब अपना जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उनकी इमेज का, उसे बिहार के अंदर जाके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अभी इसी कड़ी में वो लगे हुए हैं, कंट्रोल के साथ साथ कैश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ये हमने बात समझी, लेकिन जहां अभी हम देख रहे हैं कि संसद का सत्र चल रहा है, इस बीच हर रोज हंगामे की और नई नई खबरें सामने आ रही हैं, और हमने ये भी कहा था, हमने ये भी देखा था कि जिस तरीके से जैसी अभी तीसरी बार या तीसरे कार्यकाल में जो सरकार बनने जा रही है एनडीए की, इस एनडीए की सरकार में इस बार बहुत कुछ अलग होगा। इस बार जिस तरीके से पहले नरेंद्र मोदी पिछले दो कार्यकाल के अंदर उन्हीं की चीजें चलती थी, उन्हीं की कही हुई हर बात चलती थी, वो जो कहते थे वैसा ही हर चीज होता था, और कहा जाए कि अपने आगे पीछे किसी को इतना समझा नहीं जाता था, उतनी और सहयोगी दलों को उतनी तवज्जो भी नहीं दी जाती थी। तो अब जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो लगातार विपक्षी पार्टियां हैं उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, और जैसे स्पीकर ओम बिरला से विपक्षी पार्टियों ने पहले ही बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज करके एक अलग अंदाज जो है वो ओम बिरला का भी देखने को मिलता है। तो क्या ये सारी चीजें, जिस तरीके से कहा गया था कि थोड़े नरम नजर आएंगे अमित शाह और मोदी, तो क्या ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विपक्षियों के साथ तो हो रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के लिए भी ये परेशानी खड़ी कर सकती है? क्या वो भी कुछ अलग सोच सकते हैं, क्योंकि अभी ये कहा गया था कि वो नरम पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी संसद के अंदर भी हमें नजर आ नहीं रहा है,
तो क्या देखते हैं आप नीतीश कुमार के, आप आगे क्या सोचेंगे इन सब चीजों को देखकर, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, सबसे एक सीधी लाइन, अगर एक लाइन में आपके पूरे सवाल का मैं जवाब दूं तो वो एक लाइन ये है कि इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। कुछ वक्त के लिए वो थोड़ा नाटक कर सकता है, लेकिन उसकी फितरत से वो चाहे तो पीछा नहीं छुड़वा सकता है। आज नरेंद्र मोदी 73 साल के नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक जिंदगी का आधा जीवन सत्ता में गुजारा है, और वो भी एक तरफा सत्ता में। ऐसी सत्ता में उन्होंने अपना जिंदगी गुजारी है जिसमें सामने वाला कोई छोड़ा भी नहीं। गुजरात में तमाम नेताओं को किनारे लगा दिया, ऐसे ही दिल्ली में आए तो दिल्ली में भाजपा के तमाम नेताओं को किनारे लगा दिया, मार्गदर्शन में भेज दिया। तो मोदी अब चाहे भी तो वो अपनी राजनीति को, अपने तौर तरीकों को नहीं बदल सकते। कुछ देर के लिए वो नाटक कर सकते हैं। अब मेरी जो है वो, मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को मैं थोड़ी बहुत देर के लिए आपकी शर्म के लिए, आपकी इज्जत के लिए मैं थोड़ा बहुत उसको जो है डाउन कर लूंगा। लेकिन आप मेरे से ये कहें कि नहीं ऐसा ही रहना है, तो फिर या तो मैं रहूंगा नहीं, और या फिर मैं वैसा रहूंगा नहीं जैसा आप चाहते हैं। ये बात बिल्कुल साफ है। तो नीतीश, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में, या ओम बिरला के बारे में, जो भी लोग ये सोच रहे थे कि ये बिल्कुल अब एकदम से डिसिप्लिन्ड बॉय हो जाएंगे, उन लोगों को झटका लगा है सिर्फ। बाकी जो लोग जानते हैं, जो लोग देख रहे हैं इनकी राजनीति को, जो लोग समझ रहे हैं इनकी राजनीति को पहले से, उन लोगों को पता है कि इनकी राजनीति, इनकी दशा दिशा वो क्या थी, कहां से शुरू हुई और कहां पर। ओम बिरला जो है, जिनको लेकर के आश्चर्य होता है, वो स्पीकर है आज, उस नाते उनका पूरा मान सम्मान है, लेकिन ओम बिरला जी की लड़की को लेकर के, उनके एग्जाम को लेकर के, आप जरा कभी कोटा में पूछिए, राजस्थान में पूछिए। मैं कोटा में गया हूं, मैंने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, खाक छानी हमने वहां की, तो ओम बिरला जी के बारे में वो बताएंगे आपको। और संघ का पुराना बैकग्राउंड है, तो जिस राजनीति से, जिस परिवेश से वो आए हैं, तो ऐसा कैसे जो है नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो या और कोई व्यक्ति हो, ये मान ले कि नहीं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल अब जो है वो एकदम से गुड बॉय की इमेज में आएंगे। क्या ये चीजें डराएंगी नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार जो डराने की बात, तो अगर आप सवाल पूछ रहे, थोड़ा सा जो है इस सवाल को समझना जरूरी है कि ये जो रवैया है मोदी जी का, ओम बिरला का, क्या ये डराने का काम करता है क्या? क्या ये बाकी लोगों को डराता है क्या? ये सवाल जो है समझने वाला है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं, मानते हैं, उनको पता है कि भाई नरेंद्र मोदी की राजनीति तौर तरीका वो किस तरीके का रहा। नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता थे, एकमात्र ऐसे नेता नीतीश कुमार, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था नरेंद्र मोदी के नाम पर, मतलब वो बाहर निकल गए थे एनडीए से 2013 में। तो नीतीश कुमार जो है बहुत अच्छे से उनकी फितरत को, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उनकी राजनीति को जानते हैं, पहले दिन से जानते हैं। पहले नेता है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को समझ करके, कि इनको प्रधानमंत्री बनाना मतलब स्वीकार नहीं होगा, और वो निकल गए थे बाहर। फिर उसके बाद में क्या है, राजनीति में कई बार आपको उठना पड़ता है, कई बार बैठना पड़ता है। राजनीति में कई बार चुनाव लड़ने के लिए लड़ा जाता है, कई बार हारने के लिए लड़ा जाता है, कई बार हराने के लिए लड़ा जाता है। तो राजनीति अपने अपने तरीके से जो चलती है। नीतीश कुमार ने सब कुछ किया, लेकिन नीतीश कुमार को उस वक्त बहुत कुछ जो है वो अंदर खाने यकीन था कि हाँ कुछ न कुछ हम कर लेंगे, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाई, और इसलिए नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने परेशान हो, और फिर उसके बाद में एडजस्ट उनको करना पड़ा। तो अब जो है वो ओम बिरला जो है वो जिस तरीके से उनका दो दिन का आपने तौर तरीका देखा है, राहुल गांधी के माइक बंद करने की आप जो बात कर रही है, वो सवाल पूछ रही है जी। तो ये जो चीज है, ये चीज कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर दे रही है नीतीश कुमार को कि देखिए साहब, जो आप सोच रहे थे ये बिल्कुल वही है, जो आप मान रहे थे ये बिल्कुल उससे 21 है, उससे कम नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी अंदाजा लगाया होगा, नीतीश कुमार कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है, उन्होंने दोनों घाट का पानी पिया है,
इस घाट में भी पानी पिया है, इस घाट में भी रहे, उस घाट में भी रहे हैं, उधर का भी पानी पिया उन्होंने। तो नीतीश कुमार जो है वो भली भांति जानते हैं, भली भांति समझते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या सिचुएशन हो सकती है। अब जो उनकी तैयारी है, जो मैं पहले आपके सवाल के जवाब में कहा था, बिहार को लेकर के नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ ओम बिरला और अमित शाह, इन नेताओं का रुख देख करके उन्होंने अपनी तैयारी, बिहार की तैयारी और मुकम्मल कर दी, और तेज कर दी, और मजबूत उसको बनाने के लिए ताकत झोंक दी कि इस तैयारी को जो है, इसको जो है वो बिहार को अगर हाथ से निकाल दिया तो फिर जो है वो हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सांसद जो है, सांसद उनको पता है 5 साल के लिए बन गए, 5 साल के लिए सेफ है, और सांसद 2/3 यहां से निकलेंगे तो ना दल बदलू कानून लागू होगा, ना कुछ और लागू होगा, और ओम बिरला ठप से ठप्पा लगा देंगे। तो चर्चा चिंता जो है वो अब लोकसभा की नहीं है, लोकसभा का चुनाव खेल खत्म हो चुका है, लोकसभा फिक्स हो चुकी है। चर्चा चिंता जो है वो कल होगी, वो होगी विधानसभा चुनाव को लेकर के। नीतीश अगर अपना विधानसभा में गेम बचा ले गए तो गेम बजा देंगे फिर, ये बात याद रखिए, मेरे शब्द याद रखिए। अगर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में गेम बचा करके ले गए तो फिर वो गेम बजा देंगे, किसका आप जानते हैं, फिर वो बताएंगे कि मोदी शाह को कि नीतीश कुमार कौन है। अभी जो है उनको ये देखना पड़ रहा है, ये समझना पड़ रहा है कि हाँ मोदी जी, हाँ अमित शाह जी, हाँ ओम बिरला जी। लेकिन अगर उनके पास में नंबर आ गया और उन्होंने विधानसभा को अपना बचा लिया और विधानसभा में उनकी कुर्सी सुरक्षित हो गई, तो विधानसभा में कुर्सी सुरक्षित होने के बाद फिर आप देखिए जलवा जलाल नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार वो नेता है जो खुल करके टोपी पहन करके इफ्तारी में खजूर खाते हुए आपको मिल जाएंगे, बेरोक टोक से और किसी प्रकार के कोई डर से नहीं। नीतीश कुमार में कोई इस प्रकार के वो नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार जो साथ दिया है नरेंद्र मोदी का, इससे कहीं ना कहीं अंदर खाने वो लोग बिहार के अंदर, वो लोग जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते थे, वो लोग नीतीश कुमार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। और नीतीश को ये चुनौती पता है, नीतीश को ये चुनौती पता है, और बीजेपी इस बात का हवाला भी देगी। तो रस्साकसी जो है वो अब दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पटना के लिए होनी है, बिहार के लिए होनी है, और उसकी लड़ाई की रूपरेखा पूरी की पूरी वो दिल्ली में तय की जाएगी। लड़ाई की रूपरेखा दिल्ली में तय होगी और दिल्ली के अंदर बैठ करके कल दिल्ली को ही संदेश दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के दीवारें जो है वो सुनने का काम करती हैं, दिल्ली पता है आपको इस बात का। तो दिल्ली की दीवारों को सुनाया जाएगा, दिल्ली की दीवारों को दिखाया जाएगा, दिल्ली की दीवारों को बताया भी जाएगा कि नीतीश कुमार एकमात्र अभी भी नेता है जेडीयू के, उनमें किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, और नीतीश कुमार को कहीं से कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं। ये भी मैसेज है, क्योंकि अभी तक जो डोरे डालने की जो प्रक्रिया है, नीतीश कुमार के नेताओं के ऊपर डोरे डालने की प्रक्रिया है, वो अभी भी जारी, अभी भी जो है वो आरसीपी सिंह जो है वो ढूंढा जा रहा है, कोई एकनाथ शिंदे ढूंढा जा रहा है नीतीश कुमार की पार्टी में, कि एकनाथ शिंदे कोई मिल जाए, और एकनाथ शिंदे मिलने के बाद में हम उसको तिलक लगाएंगे, सेहरा पहनाएंगे और घोड़ी पर बैठा देंगे, मिल जाए तो। लेकिन नीतीश कुमार, मैं आपको बताता हूं एक बात जी, जिन लोगों को एक आश्चर्य हो रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना क्यों नहीं जो है अपना बड़ा मंत्रालय लिया, और क्यों नहीं जो है नीतीश कुमार ने इस पर दावा ठोका, क्यों नहीं जो है वो नीतीश कुमार चर्चा में आए और उन्होंने खूब जो है वो ताकत लगाई, क्यों नहीं ताकत वगैरह झोंकी, जबकि वो तो पैर पड़ चुके थे नरेंद्र मोदी के मंत्रालयों के बंटवारे से पहले, सब कुछ तो कर चुके थे नीतीश कुमार, क्यों नहीं मिला फिर मंत्रालय, और मंत्रालय नहीं मिला तब भी फिर वो चुपचाप है, तब भी शांत है वो, इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे जो वजह है, इसके पीछे वजह ये है कि नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते हैं कि कोई और बड़ा नेता बन जाए नीतीश। नीतीश कुमार को डर इस बात का है कि कोई एक नेता इतना बड़ा ना बन जाए जो अपनी छत्र छाया के नीचे पूरी पार्टी को साफ करके लेकर के चला जाए, कोई एक ऐसा इतना बड़ा नेता बन जाए
कि जिसका प्रोटोकॉल, जिसका पैसा, जिसका वर्चस्व, जिसकी वजूद इतनी ज्यादा जो है वो बढ़ जाए कि वो बाकी के नेताओं को समेट करके अपने साथ और बोल दे टाटा बाय बाय। तो नीतीश कुमार खुद चाहते थे कि कोई ऐसा मंत्रालय मिले, जैसे पंचायती राज ललन सिंह को मिला, और ललन सिंह को जो मंत्रालय मिला है अभी पंचायती राज, एक वक्त में ललन सिंह का ही, ये बताया जा रहा था कि ललन सिंह की ही बातचीत हो रही है लालू यादव के साथ कि पूरी पार्टी को आरजेडी को, जेडीयू को आरजेडी के अंदर विलय करवा दिया जाए और नीतीश कुमार को दिल्ली के सपने दिखा करके कि दिल्ली में आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप प्रधानमंत्री बनिए, चाचा भतीजे को यहां पर आशीर्वाद दीजिए, भतीजे को सीएम बनाइए और टाटा बाय बाय खत्म। लेकिन नीतीश कुमार ने वहां से भी पलटी मारी। नीतीश कुमार अपने पास में, क्योंकि उनको पता था कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं पर मैं तेजस्वी के नाम पर सेहरा बांध दूं और पता चले कि मेरी वहां पर बारात लूट जाए, वो बारात पहुंचे ही नहीं, क्योंकि तब तक इतना यकीन नहीं था। अगर नीतीश कुमार की कैलकुलेशन, मैं आपको एक और बात बताता हूं, नीतीश कुमार की कैलकुलेशन भी गड़बड़ा गई। नीतीश कुमार को जो बताया गया, बीजेपी के जो लोग उनके अंदर घुस गए, एक बात और बताता हूं मैं आपको, आरजेडी के अंदर लोगों का जो एंट्री होती है वो आसान नहीं है। आरजेडी में अभी भी लालू यादव अपनी छलनी से छानने का काम करते हैं, अपनी छलनी से छान करके तब लालू यादव जो है वो एंट्री करवाते हैं। लालू यादव की छलनी में जो नेता छन गया तो समझिए उसकी एंट्री हो गई, वरना आरजेडी के अंदर एंट्री नहीं हो पाती है। लालू यादव की छलनी में जिसमें खोट निकल गया उसको पहले ही आउट कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की छलनी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि वो बहुत लंबे वक्त तक सत्ता में रहे। लालू और नीतीश दोनों एक ही दौर के नेता है, लेकिन दोनों छात्र राजनीति से एक साथ ही आए, जेपी आंदोलन से निकले हुए ये सब नेता है। तो लालू यादव की जो छलनी है उसमें जो है वो अभी भी कम से कम इतना ताकत बची हुई है कि वो आरएसएस के या भाजपा के स्लीपर सेल को अपने यहां पर एंट्री नहीं करवाते। वो भाजपा आरएसएस के स्लीपर सेल भले ही थोड़ा सा शब्द जो है वो सुनने में कठोर लग रहा हो, लेकिन ये सबको पता है कि कैसे भाजपा ने अपने नेताओं को उधर भेजा दूसरे खेमे में और फिर उसके बाद में पूरा खेल खत्म करवा दिया। और ये तकरीबन हर राजनीति जो है वो पार्टियां करती है कि या तो उधर के नेताओं को अपना बना लिया जाता है या अपने नेताओं को बेगाना बना करके उधर भेज दिया जाता है और उधर से फिर पूरा का पूरा जाल समेट करके इधर आ जाते हैं। तो नीतीश कुमार इस वक्त में अपने आप को जो है वो घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं भाजपा के नेताओं से। और नीतीश कुमार को जो कैलकुलेशन करके दिखाया गया, नीतीश कुमार को जो बताया गया कि मंदिर बन गया है, 370 का और इन सब चीजों का लाभ भाजपा उठाएगी, मोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसका लाभ भाजपा उठाएगी और भाजपा आराम से 350 या 340 के आसपास आराम से रहेगी और कोई चांस नहीं। ये नीतीश कुमार को कैलकुलेशन करके दिखाया गया। अगर नीतीश कुमार के पास में ये कैलकुलेशन अगर नहीं पहुंचाई जाती या नीतीश कुमार को अगर ये चीजें नहीं बताई जाती तो नीतीश कुमार आसानी से इंडिया गठबंधन छोड़ करके आने वाले नहीं थे। एक तरफ तो नीतीश कुमार ने जो छोड़ा उधर से इंडिया गठबंधन, आज आप जो है वो पूछी रही है तो मैं आज काफी सारी चीजें खोल देता हूं। नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन छोड़ा उसके पीछे दो वजह थी जी। एक तरफ तो जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको बनाने की बात थी अंदर खाने कि प्रधानमंत्री पद जो है वो आपको दिलवा दिया जाएगा इधर से, और इसको लेकर के कांग्रेस को तैयार किया काफी हद तक लालू यादव ने कि आप जो इनको करिए, और लालू यादव का कहीं ना कहीं ये था कि तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी यहां पर खाली हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। नीतीश कुमार को अंदर खाने इतना विश्वास नहीं था कि इन लोगों की सरकार बन सकती है। अगर नीतीश कुमार को उस वक्त में ये पता होता, और मुझे लगता है कि जनवरी में जब नीतीश कुमार अलग होते हैं जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है जनवरी के अंदर, उस वक्त में नीतीश कुमार जो है वो अलग होते हैं। और उस वक्त तक
उनके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा दिया था कि यूपी में कम से कम 70-75 सीटें आएंगी, बिहार में भी पूरा 50 लाख लोगों को, ये खबरें मैंने दिखाई हैं, 50 लाख लोगों को बिहार से और दिल्ली ये अयोध्या राम मंदिर में लाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। तो जो गणित उनको समझाया गया नीतीश कुमार को जो गणित समझाया गया वो यही था कि कहीं तक भी किसी भी हद तक भी नीतीश कुमार जो है वो अगर यहां से छोड़ करके जाएंगे तो उधर पीएम बनने का चांस नहीं है, क्योंकि उधर वो पार्टी 300 से ऊपर हर हाल में रहेगी, 315 रहे, 325 रहे, 340 रहे, 350 रहे, ये जो है गणित बार बार दिमाग में उनके डाले गया। और दूसरी तरफ जो है लालू यादव ने उनको कहा कि आपको जो है पीएम बना देंगे, लालू यादव को जो है पीएम बनाने, नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात जो कही गई, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाए मानसिक तौर पर, उनको लगा। अब नीतीश कुमार जो है अपने आप को जो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब एकदम से पलटी मार करके जा नहीं सकते हैं, और अब जो है कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। तो नीतीश कुमार समझते हैं भली भांति, नरेंद्र मोदी को समझते हैं, अमित शाह को समझते हैं, ओम बिरला को समझते हैं, वो किससे कौन किससे क्या काम करवा रहा है, इस सब चीजों को नीतीश कुमार समझते हैं। नीतीश कुमार जो है वो एक जय गच्चा खा गए कैलकुलेशन के अंदर। अगर वो कैलकुलेशन को अपना फिट बैठा लेते, या जो भाजपा के करीबी नेताओं ने उनको कैलकुलेशन बताया करके, अगर उस पर वो विश्वास नहीं करते, अगर वो ये मान लेते कि 200 सीटें कम से कम जो है वो आसानी से आ जाएंगी और ताकत लगाई गई तो जो है वो 230-240 कहीं नहीं गई, और अगर अच्छे से पूरा दमखम लगा करके पूरा एकजुट होकर के चुनाव लड़ा गया तो 280-290 सीटें आनी थी। ये जो है वो अगर उनके दिमाग में आ जाता, इस बात को अगर वो अपने दिमाग में बैठा लेते तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले थे इंडिया गठबंधन को छोड़ करके। लेकिन नीतीश कुमार को आखिरकार जिस तरीके की कैलकुलेशन करके दिखाई गई वो छोड़ करके गए। अब नीतीश कुमार को ये जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी यहाँ पर, ओम बिरला जो यहाँ पर कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार का जो अब मन है वो और पक्का हो जाएगा, वो डर नहीं रहे हैं। जो सवाल ये है कि क्या वो डर गए हैं? देखिए, डरे तो वो जिसके सामने जो है वो रास्ता ना हो। नीतीश के सामने अभी भी आज की तारीख तक जो है, अभी भी आज की तारीख तक कुछ न कुछ उनके पास में ऑप्शन है। डरेंगे तो नीतीश कुमार तब जब उनकी कुर्सी बिहार की भी चली जाएगी, तब आप नीतीश कुमार से जो बोलेंगे नीतीश कुमार उसकी जयकारा लगाएंगे।